हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प। आपका फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प चैनल में। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति, क्लास 10 एनसीईआरटी आरबीएसई का पांचवा प्रश्न है। इससे पहले हमने सारे सवाल के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उसे जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक पार्क है, किसी भी आकार का मान लेते हैं, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, तब इसे ये आयताकार है, इसका परिमाप जो हम ज्ञात करते हैं वो क्या, परिमाप क्या होगा? परिमाप बराबर 2 कोष्टक में x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना देगा, 80 मीटर देर का है। यहां से देखिए परिमाप 80 मीटर देर का है। परिमाप का सूत्र क्या है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो अपने पास यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू अपने पास 80 बटा 2 यानी बराबर 40 आएगा। x प्लस वाई 40 और x बराबर अपने पास 40 माइनस वाई, ये आपकी समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। उसके बाद इसने कहा है क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर होना चाहिए। इससे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इनटू चौड़ाई। यहां आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई कितनी है, एक्स और वाई दोनों ही है, लंबाई वाई है, चौड़ाई एक्स है, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, 400 दे रखा। अब अपने पास देखिए यहां से हम एक्स का मान रख देते, एक्स बराबर अपने पास है 40 माइनस वाई, तो यहां मैं लिखता हूं 40, यहां समीकरण नंबर 1, ये दूसरी समीकरण हो गई ये वाली, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से हम यहां लिखेंगे 40 माइनस वाई और वाई इज इक्वल टू 400, ठीक है। इस x की जगह हमने 40 माइनस वाई लिखा, ये 40 वाई हो जाएगा, कोष्ठक से गुणा करेंगे और ये माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 400 हो जाएगा। अब हम उधर पक्षांतर कर देते, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 40 वाई हो जाएगा, इसके 400 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसे बनाना संभव है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ज्ञात कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac संभव होगा, तो अपने पास क्या होगा, यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करते हैं डी बराबर, ठीक है, तो डी अपने पास बी कितना है, माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है इंटू सी 400 है, ये भी 1600 हो गया और ये भी माइनस ये भी 1600 हो गया इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अपने पास क्या है, ये दो मूल है वास्तविक है, ऐसी स्थिति संभव है, ऐसी स्थिति संभव है। अब इसमें क्या है, दोनों ही इसमें मूल बराबर होंगे, लंबाई छोटाई दोनों ही बराबर आएगी। अब हम वो ज्ञात कर लेते हैं, क्या करते हैं उसको हम ज्ञात करते हैं। तो अपने पास देखिए x बराबर अपने पास क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट, तो मैं इसको गुणनखंड विधि से निकाल देता हूं, इसको इससे भी कर सकते हैं उससे भी कर सकते हैं, y स्क्वायर माइनस बीस एक्स माइनस बीस एक्स प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है, ये जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, यहां से मैं वाई बाहर ले लेता हूं, बीस नहीं वाई आएगा, यहाँ पे एक्स नहीं है वाई है, यहाँ वाई रह गया माइनस का 20 हो गया, माइनस 20 ले लिया, यहाँ वाई माइनस 20 रह गया इज इक्वल टू 0 हो गया, वाई माइनस 20 दोनों जगह है तो वाई माइनस 20 बच गया इज इक्वल टू 0, और दोनों से अपने पास क्या आएगा, वाई माइनस 20 इज इक्वल टू
जीरो एक तरीके का वाई बराबर बीस, ठीक है। और दूसरा ये वाला वाई लेते हैं, y माइनस बीस इज इक्वल टू जीरो, वाई बराबर अपने पास बीस आ गया। कितना गया? बीस। ये तो आपकी क्या गई? लंबाई। चौड़ाई ज्ञात करनी है तो दो हम यहां पे क्या लिख सकते, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है? चालीस है। एक्स प्लस वाई बराबर अपने पास चालीस, और वाई कितना है? बीस आया है, यहाँ चालीस हो जाएगा बराबर चालीस। एक्स बराबर क्या होगा? चालीस माइनस बीस, एक्स बराबर अपने पास ये बीस हो गया। इस प्रकार से इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर आई है, इसका मतलब ये आयत नहीं होगी, एक वर्ग है, ठीक है दोस्तों। ये अपना इस प्रकार से सवाल पूरा किया, लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात कर ली, इसकी ये इस प्रकार की बढ़िया पार्क हम बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फेसबुक पे है तो फेसबुक पे सेल्फ हेल्प फॉर यू पेज को फॉलो जरूर करें, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।